वेन एवर अ न्यू बॉर्न बेबी इज बॉर्न जनरली जैसे ही बच्चा पैदा होता है बीट अजेरियन सेक्शन और अ वजैनल डिलीवरी द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट इज टू बी डन इज टू पुट द चाइल्ड ऑन द एबडमिन यह बच्चे को मदर के पेट पर पे रखना है सो okay. दैट so उसको ब्रेस्ट क्रॉल बोलते हैं सो दैट विथ द अम्बेलिटल कॉर्ड हम बच्चे oh. को मदर के एबडमिन पर डालते हैं एंड uh द -huh. बच्चो क्रॉल्स और On the breast of the mother, so wow. that is the very first step that should be done, and uh, where the even baby, in a cesarean, even in a cesarean, yeah, even in a uh, vaginal delivery, okay. and the gynecologist is ongoing with. Uh, their uh, stitches and their other things. Perfect. But uh, that is the first breast crawl, first attachment of the child, the very first bonding that the child gets to the mother, and the child knows the mother instantly. Yeah. Uh, also, with an ongoing stitch uh, to the mother, she will also be. Much calmer and okay. at relief there. Right. And then the baby is, uh, of course, we cut the cord, we take the baby with a clean linen sheet, a preheated warmer, mm -hmm. usme maybe as pediatricians take the baby there. Okay. And then the full examination of the baby is done, umbilical cord. क्लैंपिंग होता है बेबीज चेक द कलर ऑफ द बेबी द क्राई ऑफ द बेबी बच्चा रो रहा है विग्रेस है एक्टिव है या नहीं वो सब चेक करते हैं एंड देन टॉप टू बॉटम बच्चों को देखते हैं हम लोग एंड Uh, उसका ऑक्सीजनेशन कैसा है उसके सेचुरेश उसका ब्लड शुगर लेवल द चेकअप एंड एनी अनॉर्मलीज या कोई अपनॉर्मलिटीज है बच्चे में वो देखते हैं एंड देन आफ्टर द ड्राइंग एंड एवरी थिंग एंड वी रैप द बेबी एंड वी शो इट टू द रिलेटिव एंड आउट ऑफ वाओ सो यू एक्सपीरियंस फर्स्ट मेरिकल

चीजी ग्रे कलर सब्सटेंस उसको वर्निक्स के जीवा बोलते हैं सो बेसिकली दैट कम्स आउट बच्चा जब पेट के अंदर है मदर के सो द बेबी हैज अ सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन उसका एक uh, पूरा शील्डेड है उसको सब न्यूट्रिशन मिल रहा है टेम्परेचर मिल रहा है सो नेचुरली वॉट एवर डिलीवरी प्रोसेस वो हर एक बच्चे में मदर से वो आता है दैट लेयर इज अ शील्ड कि बाहर आके बच्चे को खुद का टेम्परेचर कंट्रोल के लिए वो शील्ड आता है एंड दैट्स वेयर हम लोग जब बच्चे को ड्राई करते हैं या उसको uh, रब अप करते हैं तो बहुत जेंटली करते हैं सो वी डोंट एक्चुअली रिमूव दैट सो कंट्रोल डिफॉल्ट द बच्चू इज मेंटेनिंग एंड वो फिर खुद से दो तीन दिन पे अब्जॉर्ब हो जाता है इन द स्किन बाई द बेबी एंड द बेबी इज एबल टू सेल्फ रेगुलेट जब अम्बेल का जब तक वो कट होके वो गिरता नहीं है सो इवन इफ यू कट देंड इज स्टिल ड्राई होने के बाद फॉल होता है सो आफ्टर द

सो जैसे अभी आपने बोला बेबी को एबिन uh, पर रखा जाता है स्टमक पे सो यू नो लाइक वी ऑलवेज हेयर अबाउट द स्किन टू स्किन टच करेक्ट द मदर एंड द चाइल्ड सो इज दिस द वन पेर टॉकिंग अबाउट या वो एक अलग चीज़ है एंड हाउ इम्पॉर्टेंट दट इज मोर बोथ मदर एंड द बेबी करेक्ट सो येस दिस इज पार्ट ऑफ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट Uh, जो फर्स्ट एपेंट पे हम रखते हैं फर्स्ट स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट एंड फिर वो ब्रेस्ट क्रॉल क्या होता है कि बच्चा स्टेपिंग रिफ्लेक्स है तो बच्चा mm -hmm. खुद से क्रॉल करके ब्रेस्ट पे जाएगा सो दैट इज एकदम इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड देन द स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट क्रिएट्स एन इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड अपार्ट फ्रॉम दैट इसको कैंगा मदर केयर या कैंग फादर केयर बोलते okay. जब बच्चा मदर के साथ है वी uh, इंसिस्ट The Pacha should be not in cradles and cots more so, and with the mother, mm -hmm. so or the father mm -hmm. in the gown of the parent. When you wrap mm -hmm. the child and put the child uh, very nicely, gently inside, with just the private part covered. Right. So as much possible, and a naked baby, mm -hmm. uh, except for the diaper or the huh. private part huh. covered, and you put that. That's a skin to skin. तब उसका थोड़ा नेक एक्सटेंड करके सो द मदर कैन लुक एट द चाइल्ड एंड स्पीक टू द चाइल्ड द बच्चा कैन स्मेल द ब्रेस्ट ऑफ द मदर सो द बच्चा नोज कि वॉट इज माई गोना काम एंड दैट इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड हैपन्स एंड दोनों पैर उसके फ्रॉग लाइक -like फ्लेक्सड होते हैं okay. so, बहुत कंफर्टेबली से बच्चे को अंदर रखना है मदर या फादर के साथ इससे बेबी वेट गेन होता है बच्चे के वाइटल्स हार्ट रेट ब्लड प्रेशर स्ट्रेसर्स जो बच्चे को भी होते हैं, बिकॉज ऑफ डिलीवरी में स्ट्रेसर्स होते हैं मदर एंड चाइल्ड बोथ

dissolve jati okay like, yeah, no? like yeah uh, lovely so uh, that is when you're saying both mother and father so generally it is done with mother or it is first done with mother and then with father or it is with one person what is it no so because the mother is feeding breastfeeding yeah. and she, we need to introduce nutrition to right. the child as soon right. as possible

Is hmm. going there and we need to initiate Should. breastfeeding. We so firstly, to the mother. Right. But, like, agar, suppose you say for some complication, mother could general anesthesia may hmm. caesarean hmm. karna pada, or whatever the reasons could be. In that case, it is done with the father or even then you can do it with the mother even if the mother is like kind of in that so instance, yes yeah. even in that it will be a little delayed but with the okay. mother the once the mother's conscious and you start putting the you do that. yeah the okay. mother will she she'll be able to shed off the pain she'll mm -hmm. be those okay. stressors will also go and that emotional bond because uh, see so as pediatricians we focus on the child and the child's nutrition so the baby needs yeah. that from the very mm -hmm. next moment so once you're latching or your uh, baby understanding that this yeah. is my food and when the butch was gone there to mother stimulated stimulation breast milk cycle start it. hota hai because it's a beautiful, beautiful natural process correct right yeah okay because as such correct. your breast milk is made from the brain right not so it's stimulation of hormones from right. the brain so the baby sucks and your uh, cycle Psychic of milk breast. production starts oh, wow. So, uh, which is why, you know, that is very necessary in the Voice. two initial days. Yeah.